लगता यूं है कि नागरिकता संशोधन एक्ट पर जो उछल कूद मचाई जा रही है वह कहीं ना कहीं भारत के लिए एक संजीवनी बूटी के समान ही होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने इन लोगों के एक हाथ में कंप्यूटर थमाने का जो सपना देखा था, शायद आज उन्हें भी एहसास हो गया होगा कि उसकी इन गर्दन पटकने वालों को कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आज देश के अनेक हिस्सों में बंद पड़ा इंटरनेट कंप्यूटर की उपयोगिता पर ही सवाल खड़े कर रहा है। यह कबाड़ खरीदने, सब्जी के ठेले लगाने और कचरा बीनने से बेहतर दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। कुछ दूसरा इनके पास काम धंधा है तो पत्थर जेब में रखकर चलने का, जिसे भारत की छाती पर ही मारते हैं। संतोष की बात यह है कि यह अभी तक एक तिहाई है, अन्यथा इस देश का इन्होंने पहले ही कचरा बना दिया होता। मजे की बात यह है कि जहां इनकी तादाद बहुसंख्यक ही है वहां यह आपे से बाहर हुए जाते हैं, लेकिन जहां कम तादाद में है वहां यह शांति के मसीहा बने हुए हैं। पर वास्तविकता यह है कि यह कहीं भी रहे हिंदुस्तान के शुभचिंतक कभी नहीं हो सकते। नागरिकता संशोधन एक्ट तो अब वापस नहीं होगा, किंतु इनके हुड़दंग ने इन्हें 20 साल और पीछे कर दिया है। सपा, कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों ने इनके वोट के लिए जो राजनीति खेली थी उसने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार को एक नया आधार दे दिया है। इन टोपी वालों की कारस्तानी से अब राजनीति दो ध्रुवों में बट चुकी है, जिसका बड़ा फायदा भाजपा को होने जा रहा है। नागरिकता संशोधन एक्ट के बाद भाजपा को हिंदुओं के अलावा सिखों, ईसाइयों का वोट भी एक मुश्त रूप से मिलने वाला है, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों को मिलने वाला मुस्लिम वोट टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। शायद आज हिंदुस्तान के अधिकांश लोगों को कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का मतलब पता लग गया होगा। खास बात यह है कि इन तथाकथित सेकुलर दलों ने मुसलमानों को देश भर में बदनाम करवा कर जहां इनके खिलाफ अन्य धर्मावलंबियों में नफरत भर दी, वहीं इनके विकास में भी रोड़े पैदा कर दिए। बहुत सी जगह ऐलान कर दिया गया है कि इन टोपी वालों से कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा, साथ ही इन्हें निजी संस्थानों में नौकरी नहीं देने की बात भी उठने लगी है। दिल्ली से सटे राज्य के लोगों ने इनकी दुकानों से सामान नहीं लेने की घोषणा करके बड़ा कदम उठाया है, साथ ही गांव में फेरी लगाने वाले इन टोपीबाजों को एंट्री नहीं करने देने की घोषणा भी हुई है, यानी इन्हें फिर से कचरा बीनने के धंधे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी इनके हाथ में कंप्यूटर देने के फैसले से देश में धीरे धीरे कचरा बढ़ता जा रहा था, यकीनन अब उसमें कमी आने की पूरी संभावना है। राजनीति के मामले में इन लोगों की बुद्धि पहले ही अपरिपक्व रही है। राजनीति का कैकारा सीखना इनके बस की बात नहीं है, ऐसा होता तो 57 मुस्लिम मुल्क आज अव्यवस्था का शिकार नहीं होते। राजनीति सिर्फ हिंदुओं के लिए बनी है, तभी तो इन्हें अपनी उंगली पर नचाने वाले सभी दलों के नेता हिंदू ही हैं। ये बेवकूफ है और अपनी ही कौम को बदनाम करवा कर खुश हुए जाते हैं, जबकि इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि जिस कानून के लिए इन्हें बकरा ईद का बकरा बनाया गया उसका इनसे कोई वास्ता नहीं है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तो भाजपा में जाकर सुरक्षित हो गए, पर यह मोदी सरकार के खिलाफ जाकर अपने ही हाथ से कंप्यूटर भी छिनवा बैठे। कांग्रेस 70 साल तक इनका सिर्फ इस्तेमाल करती रही है, लेकिन कभी इन्हें कंप्यूटर देने की बात नहीं की। ये केवल कचरा ही बीनते रहे, या फिर दो बड़े भिगोने धार्मिक स्थल के बाहर रखकर जानवरों का गोश्त बेचना ही आया। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के किसी धर्म स्थल के बाहर इस तरह कोई भी गोश्त नहीं बेचता सिवाय इनको छोड़कर, यानी इनसे इनकी मानसिकता का पता भी चलता है। नागरिकता संशोधन बिल पर यह जितनी कुदान भरेंगे लोगों में इनके प्रति नफरत और बढ़ेगी। हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध अधिक एकजुट होंगे, जो कल तक इनके पक्ष में रहकर मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर घेर रहे थे वे भी अब मोदी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। इन बेवकूफ फुर्दंगियों की वजह से मोदी कम से कम 10 साल के लिए सत्ता के महानायक बन गए हैं, जबकि मुट्ठी भर वोटों के लिए इनके शुभचिंतक होने का दिखावा करने वाली कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां अन्य धर्मावलंबियों से दूर हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि ये सभी उक्त पार्टियां इन बेवकूफ लोगों को सड़क पर उतारकर भाजपा को फायदा पहुंचा रही है, पर इन्हें राजनीति समझ में आई तब ना। सारी अकल तो भिगोने में तरी ढूंढने में चली जाती है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इनके आंदोलन में आरएसएस के लोग भी होते हैं, अगर ऐसा है तो होने भी चाहिए। उंगली लगाओ और निकल लो, बाद में तसरीफ तो इन्हीं की ही पिटनी है,
क्योंकि राजनीति की समझ तो इन्हें है ही नहीं। फिर जब इन्हें अपने प्रदर्शन में आरएसएस के लोगों की फिक्र है तो ये ऐसा आंदोलन कर ही क्यों रहे हैं जिसका कोई सिर और पैर नहीं है। अब इनका जाग बैठ चुका है। जो नटनिया नाच इन्होंने किया था वह इनकी तस्वीर पिटवाने के बाद अब शांत हो रहा है, लेकिन देश का बहुसंख्यक तबका समझ गया है कि इनकी मानसिकता क्या है। इनका संसद पर कोई विश्वास नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र के समर्थक भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह इस देश में मौजूद वह कचरा है जो इसी देश को खा रहा है।